सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आपका लक्ष्य जितना बड़ा होता जाएगा आपकी सफलता भी उतनी बढ़ती चले जाएगी। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। एक बात हमेशा याद रखना, पुरानी आदतें कभी नए रास्ते नहीं खोलती। आज का पंचांग 27 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि सुबह 10:50 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र सुबह 7:08 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वशु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:10 से 1:34 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर रात्रि 3:06 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगी। सिंह राशि 27 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार, आपके अपने पिछले समय में से किसी पुराने व्यक्ति से मिलने की संभावना है। यह व्यक्ति आपके भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सहायता करने और लेने में अपनी पूर्वाग्रहों को आड़े न आने दें, इससे आपकी प्रगति के नए रास्ते खुल सकते हैं। अब कोई भी बदलाव नई सफलता ही लाएगा। आज आपको मानसिक शांति मिल सकती है। संतान के अनुकूल विवाह से मन खुश रहेगा। भाइयों के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी। फायदेमंद यात्रा हो सकती है। सुख सुविधा के मामलों में खरीदारी भी हो सकती है। सुख सुविधाओं के लिए प्रयास न करके दूसरों पर निर्भर रहने के कारण तकलीफ बढ़ सकती है। जिन लोगों का साथ प्राप्त होता है उनके साथ तनाव हो सकता है। किसी भी व्यक्ति की मदद और अच्छाई का किस हद तक उपयोग करना है इस बारे में सोच विचार करें। लालच में आपके काम बिगड़ सकते हैं, आगे चलकर परेशानी हो सकती है। विवाह से संबंधित निर्णय अचानक से लिया जाएगा। पेट की जलन और एसिडिटी अधिक तकलीफदायक होगी। सावधानियां, कर्ज से छुटकारे की कोशिश करेंगे। मकान या दुकान पर निर्माण कार्य का खर्चा ज्यादा हो सकता है, इस कारण बजट गड़बड़ा सकता है। किसी खास दोस्त की परेशानी की वजह से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की, किसी खास इंसान से मुलाकात आपको खुशी दे सकती है। पुरानी यादें ताजा होगी, पारिवारिक वातावरण भी अच्छा रहेगा। आप अपने रिश्ते को जांच कर कुछ मर्यादित सीमाएं बांधने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। अच्छा, आपको यह महसूस हो जाएगा कि आप अपनी इच्छा से अधिक देते रहे हैं, फिर भी आपका पार्टनर आपसे संतुष्ट नहीं है और उसकी मांगें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन मांगों पर सीमा लगाने से आपके रिश्तों में मजबूती ही आएगी और इससे आपके रिश्ते को ऐसा नया रूप मिलेगा जिससे आप और आपके पार्टनर दोनों को ही अधिक राहत महसूस होगी। बात करते हैं करियर की, कार्यस्थल पर आपका ध्यान भटक सकता है जो कि आपकी उत्पादकता को कम कर सकता है। कार्यालय में प्रेम प्रसंग की एक भावना आपको अपने कार्य से दूर ले जा सकती है। हालांकि आपको वापस अपनी एकाग्रता लाने की जरूरत है। ऐसी कोई भी कार्यवाही करने से बचें जो आपके सहयोगियों को परेशान या आक्रामक बनाए। आपका ध्यान एक साधारण मोह से भी भंग हो सकता है। आप इस चीज पर ध्यान दें कि जो चीजें होनी थी वह होती है और अपना ध्यान कार्य पर केंद्रित करें। बात करते हैं सेहत की, बिजनेस संबंधित फायदेमंद योजनाएं भी बनेगी। महत्वपूर्ण यात्राएं भी पूरी हो सकती है। रुके हुए पेमेंट भी मिल सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, लेकिन उन्हें निभाने में परेशानी भी बढ़ सकती है।
धैर्य रखना जरूरी है। बात करते हैं सेहत। ग्रहों की इस स्थिति में आपका फोकस फिट रहने पर है। आप खुद को फिट रहने के लिए उत्साहित हैं। आपकी योग में भी रुचि है। आप अपने स्वस्थ जीवन जीने की इच्छा को पहचान भी रही हैं। एक बार में एक ही कदम उठाएं, चाहे खाना हो या मजे लेने हो, स्वास्थ्यकर विकल्प ही चुनें। पार्टी करें या काम, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। आज का उपाय, आज अब गणेश भगवान जी के समक्ष दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।